नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। तहसील करोटा के ग्राम जलालपुरा में आयोजित विशाल दंगल में देश के नामी ग्रामी पहलवानों ने दांव पेंच दिखाकर लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन समाज सेवी जग बहादुर यादव ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्र सिंह राजपूत खेरी ने की तथा विशिष्ट अतिथि राजू मुखिया व दशरथ प्रसाद श्रीवास रहे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कार्यक्रम के आयोजक कमोंद सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा कि कुश्ती जैसी पारंपरिक खेल प्रथाएं ग्रामीण क्षेत्रों में विलुप्त के कगार पर थी, जिसे सहेजने की इस क्षेत्र में होड़ लगी हुई है। क्षेत्र के झारखंड धाम मेला के अलावा खेरी, पसौरा, सिमरधा आदि ग्रामों में प्रतिवर्ष हो रहे दंगल के विशाल आयोजनों से लोगों के रुझान व दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुई है। दंगल में हुई रोमांचक कुश्तियों में रवि कानपुर ने वीरेन बांदा को, श्याम गोंती ने अनीस कानपुर को, भूपेंद्र अयोध्या ने चांद बरेली को, चरण भरसूना ने भीम आगरा को पटखनी दी। दंगल की सबसे बड़ी कुश्ती संदीप राणा जालौन व बंटी आगरा के बीच हुई, जिसमें संदीप राणा ने विजय हासिल की। महिला पहलवानों की कुश्ती दंगल में आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें मोनिका मिश्रा ने नेहा दिल्ली को पराजित किया। मैच की रेफरी मन्नू पहलवान रहे। दंगल का संचालन बुंदेलखंड कैफरी बाल मुकुंदन गौती ने किया। इस मौके पर विद्याधर राजपूत, दशरथ प्रसाद श्रीवास, रामाधार यादव, श्री प्रकाश मिश्रा, धर्मचंद शर्मा, धर्मपाल यादव आदि लोग उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम के अंत में आयोजक कमोंद सिंह ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। गरौठा से संवाददाता चंद्रभान सिंह परमार की रिपोर्ट।